loose delivery. ग्रीन शर्ट्स ने काली आंधी को वनडे सीरीज में भी व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे एक रोजा मैच में कौमी टीम की 136 रन से फतह। 309 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज 172 रन पर ढेर। नवाज के 3, वहाब के 2 शिकार। पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में 8वें नंबर पर आ गया। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के नए मर्द आहन। वनडे मैचेस में मुसलसल तीसरी सेंचुरी दाग दी। बाबर आजम सेंचुरियों की हैट्रिक करने वाले तीसरे पाकिस्तानी और दुनिया के 8वें प्लेयर। अजहर अली पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले कप्तान बन गए। कराची में रेंजर्स की भारी नफरी की 9-0 आमद। 9-0 के अतराफ में गश्त किया रेंजर्स अहलकार जिना ग्राउंड आने वाले तीनों रास्तों पर तैनात रहे, कुछ देर बाद वापस चले गए। कराची में तारीख की सबसे बड़ी असलहे की खेप पकड़ी गई। अजीजाबाद में एक घर पर छापा। 11 शिकन तोपें, मशीन गन्स, 200 ग्रेनेड, 17 ग्रेनेड लॉन्चर्स बरामद। M16 और स्नाइपर राइफल्स के अलावा 5 लाख से जायद गोलियां भी मिली। असलहे की फौज को हवालगी। जब मैंने एक सियासी पार्टी बोला, 9-0 बोला, अजीजाबाद बोला, तो फिर उसके बाद कुछ गुंजाइश रह जाते। और पार्टी का तो ताल्लुक है ही नहीं। एडिशनल आईजी मुश्ताक मेहर का कहना है, लंदन में मौजूद रहनुमा असलहे को मुहर्रमुल हराम में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। असलहा कहां से और कैसे आया? एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी तफ्तीश का फैसला। दूसरी जानिब फारूक सत्तार के घर की अकबी गली से एमक्यूएम लाइंस एरिया का टाउन ऑर्गेनाइजर जिया गिरफ्तार। बरतानिया में एमक्यूएम के कायद की किस्मत का फैसला 2 हफ्ते के लिए टल गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी। स्कॉटलैंड यार्ड ने मजीद 2 हफ्ते की मोहलत मांग दी। बरतानवी पुलिस का कहना है, पाकिस्तान से हासिल होने वाले कागजात की जांच पड़ताल जारी है। अगर कोई गुनेगार ही बोल दी बाकी है, वो नकली है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि दुनिया को दिखाया जाए और जो मोदी जी के दुश्मन है उनको दिखाया जाए कि हमने सरकार रखी है। भारत की मक्कारी नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक की झूठी वीडियो की तैयारी। कठपुतली असेंबली के रुकन ने भांडा फोड़ दिया। कहा, भारतीय फौज ने 3 दिन लगाकर लीपा सेक्टर में झूठी वीडियो बनाई। झूठ के पांव नहीं होते, तभी तो मोदी ने वजीरों को सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलने से रोक दिया। 92 न्यूज की टीम वहां पहुंच गई जहां कोई और नहीं पहुंच पाया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी के शवाहिद हासिल कर लिए। भारतीय फौज के कोटली, केल और इफ्तिखाराबाद सेक्टर्स में फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। प्रोफेसर शहीद, कई शहरी जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। कुरान वाणी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई। कश्मीर के मामले पर सब पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं। भारत को वाज़े पैगाम देने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है, तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं, लेकिन इस ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। फारूक सत्तार बोले, भारत ने कंट्रोल लाइन पर नाकामी के बाद आबी दहशतगर्दी भी शुरू कर दी। वादा किया था कि एहतसाब हम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, हम सब उनको वेलकम करते हैं।
The world's largest corruption scandal has to be addressed. 2018 में पीपल्स पार्टी वजीर आजम हाउस में होगी। नवाज शरीफ पनामा लीक्स के केस में जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कुछ सियासी जमातों के फैसले मुल्क को कमजोर भी कर सकते हैं। सीपैक को मुतनाज़े ना बनाया जाए। कोयटा में मशरकी बाईपास पर दहशत गर्दों की पुलिस पर फायरिंग, दस्ती बमों से हमला, एक अहलकार जख्मी, जवाबी कार्रवाई में तीन दहशत गर्द हलाक। तुरबत में एससी और हसास इदारों का सर्च ऑपरेशन, तीन दहशत गर्द हलाक, पांच गिरफ्तार। डेरा बुख्ती में दहशत गर्दों के दो ठिकाने तबाह, असलहा बरामद। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक वजीर का रिहाई पर फूल निचावर करके इस्तकबाल। एक साल पहले गिरफ्तार होने वाले जियाउल्लाह अफरीदी को जमानत पर रिहाई मिली। जेल से बाहर आने पर हामियों ने पुरजोश इस्तकबाल किया, जुलूस की सूरत में लेकर गए। और मुर्गे की बांग सबने सुनी है, अब सुनिए मुर्गी का पियानो।